नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme X3 Super Zoom Edition versus Vivo IQ Z3 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में 6.45 इंच जबकि IQ Z3 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में 2.98 इंच जबकि IQ Z3 में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Realme X3 Super Zoom Edition से कम है। बात करें थिकनेस की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 0.35 इंच जबकि IQ Z3 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 202 ग्राम जबकि IQ Z3 में 185.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में 6.6 इंचेस जबकि IQ Z3 में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme X3 Super Zoom Edition में 1080x2400 और IQ Z3 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों फोन में सेम ही 84.7% थे। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 399 पिक्सल प्रति इंच जबकि IQ Z3 में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, पेरिस्कोप कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और IQ Z3 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और IQ Z3 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme X3 Super Zoom Edition में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और IQ Z3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में Adreno 640 जबकि IQ Z3 में Adreno 620 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में Qualcomm Snapdragon 855 Plus और IQ Z3 में Qualcomm Snapdragon 768G मिलता है। बात करें RAM की तो Realme X3 Super Zoom Edition में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB की RAM मिलती है, जबकि IQ Z3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme X3 Super Zoom Edition में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि IQ Z3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में नहीं है, जबकि IQ Z3 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme X3 Super Zoom Edition में Android V10 Q जबकि IQ Z3 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme X3 Super Zoom Edition में 4200 mAh जबकि IQ Z3 में 4400 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Realme Max 3 Super Zoom Edition में दो कलर्स जबकि IQOO Z3 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme Max 3 Super Zoom Edition में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 29,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें IQOO Z3 की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,990 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 22,990 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Max 3 Super Zoom Edition में 4 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo IQOO Z3 की तो उसमें 4 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V21e 5G है, दूसरा Motorola Edge 20 Fusion है, तीसरा IQOO Z5 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।